एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज द यूट्यूब। आपका स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में मैं लेकर आया एक और न्यू के ऑपरेशन ट्यूटोरियल फॉर 2023, जो कि होने वाला है ग्लोबल लेवल पर, और इसे ऑर्गेनाइज कर रही है YG एंटरटेनमेंट। YG एंटरटेनमेंट के इस केओ ऑडिशन का नाम है 2023 YG अप्रैल मंथली ऑडिशन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था YG अप्रैल मंथली ऑडिशन 2023 से रिलेटेड सभी डिटेल्स, जैसे कि ऑडिशन का पीरियड, ऑडिशन की क्वालिफिकेशंस, ऑडिशन की कैटेगरी, और कहां से आपको जो है उनका गूगल अप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, और रिजल्ट अनाउंसमेंट भी। ये सभी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दी हैं। तो इसी वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो उस वीडियो को जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा, ताकि आप सभी चीज़ें जो हैं इसके ऑपरेशन से रिलेटेड सभी समझ जाएं। और फिलहाल मैं जो ये वीडियो बनाई है, इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाली हूँ कि किस तरह से आप 2023 YG अप्रैल मंथली ऑडिशन गूगल एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, कहाँ पे आपको गूगल एप्लीकेशन फॉर्म मिलने वाला है, और आपको गूगल एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना होगा मैं आपको लाइव डेमो देके बताऊंगी, और साथ ही आपको प्राइवेसी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन पॉलिसी और कंसेंट फॉर्म के बारे में सभी डिटेल एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टैप कर दीजिए बेल आइकन पर, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको पता चल जाए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन बना रहता है, और साथ ही मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में मदद कीजिए, और साथ ही आप मुझे फेसबुक पेज और मेरा इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि आने वाले अपकमिंग के ऑडिशन के अपडेट्स, रिजल्ट अनाउंसमेंट के साथ साथ BTS के अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। साथ ही आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी प्लेलिस्ट भी बना रखी है के ऑडिशन ट्यूटोरियल्स में, आपको सारी के ऑडिशन मिल जाएंगे। उसके साथ साथ के ऑडिशन टिप्स में वो वीडियोज़ है जो आपको हेल्पफुल होंगी के ऑडिशन को पास करने में, और साथ ही एक प्लेलिस्ट है 24/7 ऑलवेज ओपन ऑनगोइंग ऑडिशन, उसमें जितनी वीडियोज़ है उसके ऑडिशन के लिए आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, जब भी आप अवेलेबल हो, आपको लगता है आप प्रिपेयर है के ऑपरेशन को पास करने में कुछ टिप्स एंड एडवाइसेस की जरूरत है, तो ज्वाइन मेंबरशिप में अपने यूट्यूब चैनल JDU पर आपको के ऑपरेशन के एडवाइसेस और टिप्स और के ऑपरेशन के ट्यूटोरियल्स देती हूँ। आई होप आप मेंबरशिप को ज्वाइन करें। ये मेंबरशिप ज्वाइन करके आपको काफी इंस्टेंट एक्सेसेस मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपको के ऑपरेशन को पास करने में, ताकि आपका के ऑप आइडल बनने का सपना पूरा हो सके। मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लॉयल्टी बेजेस, इमोजीज एंड पर्क्स, मेंबर ओनली चैट रूम्स। यहाँ पर सिर्फ जो मेंबर्स होंगे, जिनके पास मेंबरशिप होगी उनके लिए एक अलग से चैट रूम बनाया जाएगा, जहाँ पे सभी आप लोग बात कर सकते हैं और अपनी वरीज को सॉल्व कर सकते हैं कंसल्ट करके। मेंबर ओनली लाइव चैट्स, जितने भी मेंबर्स होंगे जिनके पास मेंबरशिप होगी उनके लिए एक लाइव चैट में ऑर्गेनाइज करूंगी कुछ टाइम में, ताकि वो लोग अपने से बात कर सकें, सभी आप केवल फ्रेंड्स हो सकें और अपनी जो बातें हैं अपने एक दूसरे से शेयर कर सकें। पर्सनल चैट्स, इसमें आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं अपनी वरीज और अपने जो भी आपको टिप्स चाहिए, कुछ भी ऑडिशन से रिलेटेड, ऑडिशन वीडियो से रिलेटेड सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ वीकली और मंथली इवैल्यूएशन सेशंस, आपके ऑडिशन वीडियो और आपके ऑडिशन के डांस, सिंगिंग और फोटोज, उनके आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इवैल्यूएशन कर सकूं, बता सकूं कि वो जो आपने फोटोज और वीडियोस बनाई हैं वो आपके जो ऑडिशन में अप्लाई करने के लायक है या नहीं है। अर्ली एक्सेस टू वीडियोस, जो मैं वीडियोस डालती हूं उस पर आपको अर्ली एक्सेस मिल सके, ताकि आप जल्द से जल्द अप्लाई कर सके, क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल जो ऑडिशन होते हैं उनकी जो है जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 48 आवर्स का। आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना होता है, क्योंकि आजकल सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती है, इसलिए आपको जल्द से जल्द पता चल सके कि किसका ऑडिशन हो रहा है, कब हो रहा है, तो वो आपको मिल सकती है एक्सेस पर भी। और साथ ही प्रायोरिटी टू कमेंट्स, क्योंकि जो भी ऑडिशन होते हैं वो ग्लोबल लेवल पे होते हैं, तो सभी लोग इसलिए अप्लाई करते हैं, इसलिए जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं वो भी बहुत ज्यादा नंबर पे आते हैं, इसलिए मैं सिर्फ कुछ को ही रिप्लाई कर पाती हूँ और कुछ को नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ। इसलिए अगर आपके मेंबरशिप होगी तो आपके जो कमेंट्स हैं उनको मैं प्रायोरिटी दूंगी और उन्हें सबसे पहले रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आप लोगों की मेंबरशिप को ज्वाइन करने से जो सपोर्ट मुझे मिलेगा, ना कि सिर्फ आप बेनिफिट्स को रिसीव करेंगे बट आप मेरी भी मदद करेंगे, ताकि ऐसे ही मैं यूट्यूब पर वीडियोस को क्रिएट करती रहूं और आपके केओ ऑडिशन का पास करने में और आपके केओ आइडल बनने का सपना पूरा होने में एक जरिया बन सकूं। सो ज्वाइन द मेंबरशिप नाउ। सबसे पहले हम चलते हैं YG एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट पर, जहाँ पे उन्होंने सभी डिटेल दी हुई है। सबसे पहले आप अपना इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लीजिए, उसके बाद आप सर्च में लिखिए YG या YG ऑडिशन। जैसे आप ये सर्च करेंगे आपके सामने कुछ सर्चेज ओपन हो जाएंगी, तो आपको जो ये दिख रहा है YG ऑडिशन, इस पर आपको क्लिक करना है जिस पर ब्लू टिक है। यहाँ पर उन्होंने सभी डिटेल दी होंगी, तो सबसे पहले हम इसे क्लिक कर लेते हैं। जैसे मैं उस पर क्लिक करती हूँ, देखिए आपके सामने ओपन हो चुका है YG एंटरटेनमेंट का इंस्टाग्राम का ऑफिशियल अकाउंट, और यहाँ इसकी जो लिंक है YG ऑडिशन की जो लिंक है इंस्टाग्राम अकाउंट की, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ जाकर क्लिक करके डायरेक्ट उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पहुँच जाएंगे। तो देखिए, और साथ ही यहाँ पे फॉलो का बटन जो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले अपकमिंग के ऑपरेशन के अपडेट्स जो YG एंटरटेनमेंट से रिलेटेड होंगे वो आपको मिल जाएंगे।
चलिए हम चलते हैं उस पोस्ट पे। देखिए यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी पोस्ट डाल दी है इस ऑडिशन से रिलेटेड, सभी जहाँ डिटेल्स दी हुई है, तो चलिए मैं आपको वन बाय वन सभी डिटेल्स समझाते जाती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाउ टू फिल गूगल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वाईजी एंटरटेनमेंट अप्रैल मंथली ऑडिशन 2023 के लिए। सबसे पहले जो है मैं इसकी जो लिंक है गूगल फॉर्म की, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप उस लिंक को कॉपी करके गूगल पर पेस्ट कर दीजिएगा और फिर सर्च कर दीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है और अब मैं सर्च कर देती हूँ। देखिए थोड़ी देर में देखिए हमारे सामने ओपन हो चुका है वाईजी एंटरटेनमेंट का अप्रैल मंथली ऑडिशन 2023 का गूगल एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए ये रहा आपके सामने गूगल एप्लीकेशन फॉर्म, मैं आपको सभी चीजें वन बाय वन समझाते जाती हूँ। 2023-4 वाईजी मंथली ऑडिशन वन ऑन वन ऑनलाइन वीडियो ऑडिशन हेल्ड एवरी मंथ एंड द सिलेक्शन ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड कंफर्मेशन ईमेल विल बी सेंड बाय 21st ऑफ अप्रैल। सो ये ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस पेज को नीचे रोल कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ लिखा हुआ ईमेल, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, वही ईमेल आईडी लिखिएगा जो चालू हो जिस पर अपडेट्स आती हूँ। और देखिएगा मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कोई स्पेलिंग की ईमेल आईडी में, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको ईमेल आईडी के थ्रू ही दी जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है व्हाट लैंग्वेज डू यू वांट टू अप्लाई टू, उन्होंने कहा कि किस लैंग्वेज से आपको इसके वर्जन के लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए हमको सिलेक्ट कर लेना है सिंपल, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज आपको मिलेंगी। देखिए कोरियन, हिंदी, हिंदी नहीं है यहाँ पे, कोरियन है, इंग्लिश है, चाइनीज है, जापानीज है। तो आपको हम सिर्फ सिंपल हमारे लिए क्या पड़ेगी इंग्लिश, तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि अग्रीमेंट टू द कलेक्ट एंड सी यूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप अग्रीमेंट दिया हुआ है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जो यूज किया जाएगा या कलेक्ट किया जाएगा वो किस तरह से किया जाएगा। चलिए इस पेज को नीचे रोल कर देती हूँ ताकि सभी चीज़ें अच्छे से दिखने लगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका कि पर्पस ऑफ कलेक्शन एंड यूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफाइंग द ऑडिशन एप्लीकेंट एंड गिविंग नोटिस ऑफ ऑडिशन रिजल्ट, यानी कि जो भी एप्लीकेंट से ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों मांगी जाती है ताकि वो पता लगा सके कि जो भी एप्लीकेंट है जो इसके ऑडिशन पार्टिसिपेट कर रहा है वो एक्चुअल में वो पर्सन है या नहीं है। उसका सेकंड पॉइंट है आइटम ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, क्या क्या चीजें जो पूछी जाती है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए क्या क्या होता है, आपका नेम पूछा जाता है, आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी नेशनलिटी, आप किस कंट्री से हैं, आपकी हाइट, आपका वेट और आपकी फोटो और आप कहाँ पे रहते हैं उस कंट्री का रेसिडेंस, यानी कि ये सभी चीजें हैं जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंडर आती हैं और वो आपसे पूछते हैं इस फॉर्म के अंदर। फिर देखिए थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पे पेज को नीचे रोल करने के बाद कि द पीरियड ऑफ रिटेनिंग एंड यूज ऑफ कलेक्टेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कलेक्टेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन विल बी कलेक्टेड स्टोर्ड एंड यूज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेंट सबमिट एप्लीकेशन फॉर द रिस्पेक्टिव ऑडिशन एंड ड्यूरिंग वन ईयर अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ एप्लीकेंट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंपनी शैल इमीडिएटली डिस्ट्रॉय सच पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हाउएवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड सेफली फॉर अ डिजाइनेड अमाउंट ऑफ टाइम इफ कंपनी इज ऑब्लिगेटेड बाय द लॉ टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, या कि उन्होंने कहा कि जो भी आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन्हें देते हैं वो कब तक उनके पास ये सभी चीज़ें रख सकते हैं। तो उनका मानना ये है कि वो आपकी सभी चीज़ें जो है वो एक साल तक रख सकते हैं, उस एक साल तक वो आपके सभी फोटोज और आपकी इन्फॉर्मेशन और आपके ऑडिशन वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं भी चली जाएगी, नहीं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर किया जाएगा सेफली, उसके लिए अलग से वो लोग स्टाफ रखते हैं जिनका काम होता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को सेफ रखना, उनके साथ आपकी इन्फॉर्मेशन सेफ रहेगी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक के लिए, इसका कुछ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका देखिए फोर्थ पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कंसेंट डिनायल राइट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिनायल, यानी कि एप्लीकेंट हैज द राइट टू डिनाय कंसेंट फॉर द कलेक्शन एंड द यूज ऑफ मैंडेटरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हाउएवर इन दिस केस वन मे बी डिप्राइव्ड फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द रिस्पेक्टिव ऑडिशन, यानी कि देखिए वीडियो बहुत जल्दी में बना रही हूं, तो बहुत वीडियो फास्ट बना रही हूं, तो आप वीडियो की स्पीड थोड़ी धीरे कर लीजिएगा। देखिए इसका कहना यह है कि जो भी एप्लीकेंट है उसके पास हक है कि वो कभी भी जो इस केयर पोर्शन से पीछे हट सकता है, क्योंकि आपके पास जो है राइट होता है कंसेंट डिनायल राइट, जिसके अकॉर्डिंग आप जब चाहे इस केयर पोर्शन से पीछे हट सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी से हाथ पीछे कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। फिर पेज को रोल कर लीजिए, फिफ्थ पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है राइट्स ऑफ एप्लीकेंट, एप्लीकेंट में एक्सेस फॉर एक्सेस करेक्शन और इरेजर ऑफ प्रोवाइडेड पर्सनल इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम, कंपनी शैल प्रॉम्प्टली परमिट एक्सेस और टेक मेजर्स फॉर करेक्शन और इरेजर, एप्लीकेंट में विदड्रॉ इट कंसेंट ऑफ द कलेक्शन एंड यूज ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम। उनका कहना यह है कि जो भी एप्लीकेंट्स है जो इस केयर पोर्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें एक्सेस है, उनके पास राइट है कि कभी भी वो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी से मांग सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं और भेजी जा रही है तो वो क्या कर सकते हैं, कंपनी जो है मेजर्स लेती है, पता लगाती है कि कहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो कोई बात नहीं होती है, बात यहीं पे खत्म हो जाती है। फिर सिक्स पॉइंट है कंपनीज एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कंपनी शैल सेफली प्रोटेक्ट ऑल पर्सनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्रेटरीज, कंपनी शैल नॉट प्रोवाइड पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू एनी एक्सटर्नल पार्टी विदाउट कंसेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट, कंपनी हैज डेसिग्नेटेड अ चीफ प्राइवेसी ऑफिसर एंड अ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर, कंपनी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग इंक्वायरीज रिगार्डिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन।
तो देखिए यहाँ पर इनका मतलब यह है कि कंपनी कितने एफर्ट्स लगाती है आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो देखो आपको ये सोचने की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कंपनी है वो खुद एक उनका एक चीफ प्राइवेसी ऑफिसर होता है और एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर होता है जो आपके सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को है जो सेफ रखता है, प्रोटेक्ट करता है, सभी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, और आपके कंसेंट के बिना, आपकी इजाजत के बिना आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को भी भेजी नहीं जाती है। तो आपको उसकी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। उसके चलिए पेज कौन से रोल कर लेते हैं। आई एक्नॉलेज एंड वॉलंटियरली अग्री बाय माय ओन फ्री विल दैट YG एंटरटेनमेंट इनकॉर्पोरेशन हियर इन आफ्टर रेफर टू एज अ कंपनी मे कलेक्ट एंड यूज ऑफ माय पर्सनल इन्फॉर्मेशन व्हिच आई प्रोवाइड इन माय एप्लीकेशन एज अबव। यानी कि आप अग्री करते हैं, आप अपनी रजामंदी देते हैं, आप अग्री करते हैं कि आप अपनी मर्जी से सभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हैं कंपनी को दे रहे हैं, तो आपको इस चूज पे क्लिक करना है। जैसे आप चूज पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आएंगे अग्री और डिसअग्री के। अगर आप डिसअग्री करते हैं तो आपका फॉर्म यहीं पर क्लोज हो जाएगा, बट अगर आप अग्री करते हैं तो आप नेक्स्ट फॉर्म को फिल कर पाएंगे। चलिए मैं अग्री पे क्लिक कर देती हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट का बटन दिख रहा है, इस नेक्स्ट के बटन के आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कंसेंट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि आपके पेरेंट्स का कंसेंट है कि आप इस केयर पर्सन में पार्टिसिपेट कर सके या नहीं। तो इस पेज को मैं थोड़ा नीचे रोल कर देती हूँ क्योंकि वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है उन्होंने यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए रिक्वायर्ड ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑडिशन एप्लीकेंट्स विद अ माइनर अंडर द एज ऑफ 14 कोरियन एज बेसिस। उनका कहना यह है कि अगर कोई 14 साल से छोटा है तो उनको कंसेंट देना होगा, उन्हें बताना होगा कि आपके पेरेंट ने आपको परमिशन दे दिया इस केयर पर्सन पार्टिसिपेट करने के लिए। क्या लिखा है, आई एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एप्लीकेंट नॉलेज एंड वॉलंटियरली अग्री बाय माय ओन फ्री विल will be the applicant providing to YG Entertainment Incorporation herein after and company personal information of applicants included in the application for the company audition and I agree with the consent of the personal information collection and usage signed by the applicant. Legal representative of a minor under the age of 14 has the right to view and update the child personal information and to withdraw the consent of the application and the use of child personal information. देखिए इसका मतलब ये है कि I as a legal representative, यानी कि आपके parents जो है ये oath लेते हैं, ये बोलते हैं कि हाँ हमने अपने जो बच्चे को अपनी मर्जी से इस केयर पर्सन पार्टिसिपेट करने की इजाज़त दे दी है। और ये सिर्फ तभी ज़रूरी होता है क्योंकि अगर एप्लीकेंट 14 साल से कम का होता है तो ही, अदरवाइज आपको इसमें यहाँ पे दिया नहीं है कि अगर आप छोटे नहीं हैं तो कोई प्रॉब्लम आने वाली है आपको। तो इजीली आपको यहाँ नीचे क्वेश्चन दिख रहा है देखिए आई एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एप्लीकेंट अग्री विद द अबव, यानी कि आपके जो पेरेंट्स हैं आपके जो गार्जियन है वो आपको परमिशन दे रहे हैं या नहीं। तो आपको इस चूज के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ऑप्शन आ गया अग्री डिसअग्री या फिर एप्लीकेंट ओवर 14 ईयर्स ओल्ड, यानी कि आप 14 साल से ज़्यादा के हैं तो आप क्लिक कर दीजिए। अगर आप 14 साल से छोटे के हैं तो आपको अग्री पर क्लिक करना है, तभी आप अगला वाला जो फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। अगर आप डिसएग्री करेंगे तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर आप 14 साल से ज्यादा के हैं तो आपको सिलेक्ट करना होगा एप्लीकेंट्स ओवर 14 ईयर्स ओल्ड। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ एप्लीकेंट्स ओवर 14 ईयर्स ओल्ड। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा है नेक्स्ट का, इस नेक्स्ट के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और देखिए अब आ चुका है मेन आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके पहले सिर्फ परमिशन रहती है वो देनी आती है आपको, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए पेज को नीचे रोल कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट चीज़ यहाँ लिखी हुई है नेम, तो नेम में आपको अपना फुल नेम लिखना है सरनेम के साथ, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट चीज़ यहाँ लिखी हुई है फ्रंट पेज फोटो, तो यहाँ पे आपको फ्रंट पेज फोटो डालनी है, यानी कि आपके सर से लेकर आपके चेस्ट तक का आपको फोटो डालना होगा, वही फ्रंट पेज फोटो कहलाता है। तो आपको क्या करना है इस एड फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आप एड फाइल पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन दिखने लगेगा। जैसे आप ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तीन ऑप्शन दिखने लग जाएंगे, इसमें आपको कैमरा फाइल्स और ये है। जैसे आप फाइल्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इमेज शो होगी, तो आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इमेजेस पर जाना है, इमेजेस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इमेजेस दिखेंगी। इसमें से आप किसी भी इमेजेस को आपने जो भी आपने फोटो सिलेक्ट किया है अपने केयर पर्सन के लिए उस फोटो पर आपको टच करना है, और फिर आपका फोटो सिलेक्ट करते ऐसा शो होने लगेगा और थोड़ी ही देर में आपका फोटो जो है सिलेक्ट हो जाएगा, तो आपका फोटो इस तरह से दिखने लगेगा। देखिए फिर यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पूछी गई है जेंडर, तो अगर आप मेल है तो मेल पर टिक कर दीजिएगा, अगर फीमेल है तो ईमेल पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ आपको क्या सिलेक्ट करनी है, पहले डेट सिलेक्ट कीजिएगा फिर मंथ और फिर ईयर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ लिखी हुई है नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आपको अपनी कंट्री का नेम सिलेक्ट करना है, यहाँ कंट्री का नेम लिख दीजिएगा। उसके चलिए पेज को नीचे रोल कर लेते हैं। यहाँ लिखा है कंट्री ऑफ रेसिडेंस, यानी कि आपकी जो कंट्री है कौन सी कंट्री है, आप जगह आपको पहले अपने घर का पूरा एड्रेस लिखना है, फिर आखिरी में इंडिया भी लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ यहाँ पे हाइट और वेट, और तो हाइट आपको क्या करना है सेंटीमीटर में लिखना है और आपको वेट अपना किलोग्राम में लिखना है। उसके देखिए नेक्स्ट यहाँ पूछी गई है कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट में आपको अपना फोन नंबर लिखना है, वही फोन नंबर लिखेगा जिस पर इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों चालू हो। उसके यहाँ लिखा हुआ है कैटेगरी, तो यहाँ पे वोकल रैप डांस और एक्सेट्रा में से चारों में से जिस भी कैटेगरी के लिए आपको अप्लाई करना है इसे एक के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद पेज को ऊपर से जाकर नीचे तक एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने सभी इन्फॉर्मेशन सही डाली है या नहीं डाली है, और उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है YG एंटरटेनमेंट के इस अप्रैल मंथली ऑडिशन 2023 के लिए।
Hope I answered all your questions well. And that's it for today's video. I make more updates related to BTS, K-pop, K-portion tutorials, K-portion tips, life of K-pop trainee and idol, and content videos like these. You can check out my playlist. I will leave the link in the description box. And those who have curious related to video, ask me in my comment box. If you liked what you see, then make sure to click the subscription button. It will help me to grow. Also encourage me to make more updates related to BTS, K-pop, K-portion tutorials, K-portion tips, life of K-pop trainee and idol, and content videos like these. And also help me to complete 5,000 subscribers soon. Love you all. Stay safe. See you guys on my next video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to my channel, JTube. Bye bye. Anybody out there?